अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आज के लेसन में मैं आप लोगों को ये किचन बनाना बताऊंगी। ये किचन देखिए बहुत ही खूबसूरत बनी है और बहुत ही इजी टाकों से बनी है। ये सिर्फ डबल क्रोशिया से बनी है, बहुत ही ईजी, और इसमें सिर्फ 1, 2, 3, 4 राउंड में ये कम्प्लीट हो चुकी है। ये इसमें मैंने बीड्स लगाए हैं इसको खूबसूरत करने के लिए, और ये देख लें ये बहुत ही अच्छी बनी। और नीचे मैंने टसल्स लगाए हैं, और इसमें मैंने कॉटन भरी है इसके अंदर। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी किचन बनाना, बस मैं आप लोगों को कॉटन भर के नहीं बताऊंगी, मैं इसको बगैर कॉटन के ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम ये 4-ply यान से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले ब्लैक धागा लेंगे, और इसमें हम ब्लू, ब्लैक, वाइट, ब्लू और डार्क ब्लू, ठीक है, हम ये धागे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक धागा यूज़ करेंगे। ये हम सबसे पहले ब्लैक यान से स्टार्ट करेंगे, और इसमें सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। ये देखिए मैजिक रिंग हमारी इस तरह से बनेगी। मैजिक रिंग ये देखिए हमारी रिंग बन गई है मैजिक रिंग। और मैजिक रिंग बना के फिर उसके ऊपर 3 chain बनाएंगे, 1, 2 और 3। 3 chain बना के फिर इसमें 9 double crochet बनाएंगे। हमको 10 double crochet चाहिए, और जो 3 chain बनाएंगे इसको भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। ये देखिए इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये मेरा ब्लैक से मैंने सर्कल बना लिया है। सर्कल बनाने के बाद मैंने इसको पुल किया, यान को पुल करने के बाद स्लिप स्टिच लगाई। स्लिप स्टिच लगाने के बाद मैं वाइट धागा से ज्वाइन किया। वाइट धागा ज्वाइन करने के बाद 3 chain बना के, 3 chain बनाने के बाद फिर मैं उसके उसी चेन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, डबल क्रोशिया बनाने के इस तरह हमारे पास 2 double crochet हो गए। अब हम हर स्टिच में 2 double crochet बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, हर स्टिच में 2 double crochet बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे 2 double crochet। हर स्टिच में 2 double crochet बनाएंगे। ये देखिए 2 double crochet हर स्टिच में बनाएंगे, 2 double crochet। ये देखिए इस तरह से बनता चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने वाइट कलर से भी सर्कल बना लिया। ठीक है, हर स्टेज में मैंने 2 double crochet बना के ये सर्कल मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब कंप्लीट करने के बाद हम इसको चेंज करेंगे यान को। ठीक है, ये देखिए इस तरह से 2 circle बन गए। ये देखिए थर्ड राउंड मेरा स्टार्ट हुआ। थर्ड राउंड मैंने लाइट ब्लू कलर से स्टार्ट किया है। थर्ड राउंड में भी मैंने 3 chain बना ली, फिर सेम स्टेज में 2 double crochet बनाया। इसमें भी इसी तरह हर स्टेज में हम 2 double crochet बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये 1 double crochet और ये 2 double crochet। हर स्टिच में हम 2 double crochet बनाएंगे इस तरह से, 1 double crochet और ये 2 double crochet। ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, हम पूरा राउंड करके आप लोगों को फिर बताते हैं। ये देखिए ये मेरे
राउंड हो गए, 1, 2, 3 राउंड हो गए, ब्लैक वाइट एंड लाइट ब्लू। ठीक है, अब मैं डार्क ब्लू से बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मैं डार्क ब्लू से बनाऊंगी। डार्क ब्लू कलर में जॉइंट करूंगी इस तरह से, जैसे मैंने पहले राउंड में जॉइंट किए उसी तरह से मैं जॉइंट करूंगी। देखिए ये देखिए, अच्छा सिंगल क्रोशिए से हम जॉइंट कर लेंगे। ये हमारा जॉइंट हो गया, देखिए इस तरह से हमारा जॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम हर स्टिच में सिंगल क्रोशिए बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हर स्टिच में सिंगल क्रोशिए बनाएंगे। ये देखिए हर एक चीज में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। इस तरह से ये देखिए इस तरह से बनाते चले जाएंगे सिंगल क्रोशिया। यहाँ से बनाते हुए मैं यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए मेरा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया, सिंगल क्रोशिया से मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर इसको स्लिप स्टिच दे दी, इसको लगा दी। फिर इस जैसा मैं एक और मैंने बना के रखा हुआ है, ये मैं बनाऊँगी। अभी मेरा एक और राउंड बाकी है, इसमें मैं आप लोगों को बना के बताती हूँ। ये देखिए दोनों मेरे सर्कल रेडी हो गए। अब मैं इसको जॉइंट करूँगी। इसमें मैंने कॉटन भरी थी, मगर आपको मैं बगैर कॉटन भरे बताऊँगी। ये देखिए इसको हम जॉइंट करेंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। ऐसे ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से एक स्टेज से दूसरे स्टेज में लेकर इस तरह से इसको जॉइंट कर लेंगे स्लिप स्टिच से। ही देखिए इस तरह से ये देखिए जॉइंट होके इस तरह से नजर आएगा। ये देखिए मैंने जॉइंट कर लिया दोनों को। ये जॉइंट होने के बाद इस तरह से नज़र आ रही है। देखिए 4 कलर में ये जॉइंट हो, 1, 2, 3, 4। ये देखिए इस तरह से, ठीक है 4 कलर में जॉइंट हुआ। अब मैं आप लोगों को ये इसका की चेन लगा के बताती हूँ, यानी की चेन किस तरह से लगाया है। ठीक है ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया पूरा। ये मैंने इस तरह से इसकी चेन लगाए हैं और इस तरह से इसमें टसल्स लगाएँ। ये देखिए पीछे से ये इस तरह से बना, ये सामने से इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से है, इसमें मैंने कॉटन भरी थी। ये देखिए आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये कीचेन। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज़।